हाय जेम्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके सामने आ गया हूँ फिर से अपने इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मेरे पास कुछ समय से एक बार बार सवाल आता है, कुछ समय क्या, काफी टाइम हो गया अब ये सवाल आते हुए। मेरे पास हर बार आकर एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है, सर क्या मुझे कॉलेज के साथ सीए करना चाहिए या मुझे सीए करना चाहिए और कॉलेज ड्रॉप कर लेना चाहिए, या मुझे कॉलेज कॉरेस्पॉन्डेंस से करना चाहिए, रेगुलर कॉलेज नहीं करना चाहिए, तो सर मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी माय स्ट्रेटजी रिगार्डिंग माय कॉलेज, मेरे को अपनी ग्रेजुएशन के लिए क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए या मेरे लिए क्या अप्रोच बेस्ट है। तो बच्चा लोग, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। जी हाँ बच्चा लोग, टुडे आई विल टेल यू कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या, किस तरीके से काम करोगे सो दैट आप आराम से चीजों को हैंडल कर सकोगे। ऑलराइट, चलिए बच्चा लोग, तो आज मैं पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी, अपने पॉइंट्स बताऊंगा, फिर साथ साथ मैं आपको जो पास्ट रैंक होल्डर्स रह चुके हैं उनकी बात भी बताऊंगा कि क्या उन्होंने कॉलेज करा, क्या उन्होंने रेगुलर करा या कॉरेस्पॉन्डेंस करा या क्या रहा उनकी जर्नी, उनका एक्सपीरियंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही मजेदार तरीके से हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चा लोग, सो लेट्स बिगिन। तो बच्चा लोग, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, क्या सर? मैंने कहा देखो जी, अनअकैडमी पर फिर से आपके लिए आया है अनअकैडमी कॉम्बैट। जी हाँ बच्चा लोग, आपके लिए अनअकैडमी कॉम्बैट आया है। इस कॉम्बैट को बेटा, ये है इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट। जी हाँ सर, कैसे? मैंने कहा इस संडे को 12 बजे, जी हाँ एवरी संडे होता है बेटा 12 बजे, जनरली एक हफ्ते फाउंडेशन होता है, एक हफ्ते इंटर का होता है, तो इस संडे सीए फाउंडेशन का है। इसमें जो भी हमारे टॉप 3 रैंकर्स होंगे, whoever are they, उनको मिलेगा 1 ईयर का फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री। देन 4th to 10th रैंक होल्डर जो होंगे उन्हें 75% स्कॉलरशिप, 11 to 50 वालों को 50% और 51 से 200 रैंक वालों को 25% स्कॉलरशिप। तो भाई हुआ ना इंडिया का सबसे बड़ा? सर सर इसलिए बड़ा है क्योंकि इसका टोटल पूल साइज, जो स्कॉलरशिप का पूल अनअकैडमी ने आप बच्चों के लिए डिजाइन करा है, वो है 1 करोड़ रुपीस का। तो भाई आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी चीज है, आपके लिए सारा रजिस्ट्रेशन फ्री है। आपने सिर्फ एक काम करना है, क्या? आपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर जाना है, एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए आपको यूजर कोड क्या लगाना है? CA सुनील। यस, आपने सी ए सुनील का यूजर कोड लगाना है और आपने फटाफट से इस कॉम्बैट में एनरोल करना है। जैसे ही आप इस कॉम्बैट में एनरोल कर लोगे बेटा, आपके लिए फायदा ही फायदा है। गॉट इट? सो ये थी आपके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज आपके लिए। गॉट इट? सर मैं आता हूं वापस अपने उसी सवाल पर। कौन सा सवाल सर? अरे वही सर, कॉलेज का क्या करा जाए या ग्रेजुएशन का क्या करा जाए। तो मैंने कहा चलो बच्चा लोग, लेट्स डिस्कस दिस आउट। देखो बच्चा, अगर मेरे हिसाब से चलो तो मैं तो सबसे पहली बात बोलता हूं, If you are eligible to get a admission in regular college, तो भाई सबसे पहला step है, आप अपने आप को regular college में enroll करो। सबसे पहला और important step, सबसे जरूरी है ये। तो जब तक आप college में, regular college में enroll करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि आपका जो college है, वो आपके लिए कोई problem नहीं है। In fact, वो आपके लिए एक तरह से support system का काम करता है। वो आपके लिए बेटा एक बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है। सर कैसे? मैंने कहा सुनो, रेगुलर कॉलेज से बेटा आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, आपका जो ग्रुप है वो बनता है, आपको बहुत ज्यादा एक मोटिवेशनल फोर्स मिलती है। जब आप देखते हो यार मेरे साथ के जितने बच्चे हैं, हर कोई कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में लगा हुआ है करने में, मेहनत करने में लगे हुए सारे, तो अंदर से ना एक डिजायर और एक मोटिवेशन क्रिएट होता है। तो मैंने क्या बोला था, जो मैंने बोला था सर, ये ना आपके लिए एज अ सपोर्ट सिस्टम काम करता है, रादर देन जस्ट अ ऑब्स्टेकल की नहीं यार ये ऑब्स्टेकल है सर, ये तो मेरे को पढ़ने नहीं देगा, मेरे पेपर होंगे, मेरी क्लासेस होंगी, मेरा ऐसा मेरा वैसा। तो भाई ये ना आपके लिए पहली बार सपोर्ट सिस्टम काम करता है। तो पहला पॉइंट मेरा यहां से निकल कर आया, सर सबसे पहली बात, ग्रेजुएशन सीए के साथ साथ करना मस्त है। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? आपने तो अभी रेगुलर के लिए बोला। मैंने कहा बेटा मैंने इसलिए बोला, देखो बी प्रैक्टिकल, मैं बड़ी प्रैक्टिकल सी बात करूंगा, मैं कोई थ्योरी व्योरी बातें नहीं करने वाला। प्रैक्टिकल अप्रोच ये कहती है, अगर मैं पास ट्रेंड्स का डेटा देखूं कि सर हमारे ना बहुत सारे बच्चे पास नहीं हो पाते हैं। सर बात तो सही है आपकी, अगर एक्चुअल फैक्ट देखे जाए तो यही है।
बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी ना किसी वजह से बेटा एग्जाम में पास नहीं हो पाते हैं। अब सोचो एक बच्चा जिसने फाउंडेशन पास करा बट सीए इंटर पास नहीं कर पा रहा ड्यू टू एनी रीजन, व्हाट एवर द रीजन इज, मैं आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा बट मैं हमेशा बोलता हूं बेटा आपको मोटिवेशन के साथ साथ दिमाग और बुद्धि भी लगानी है, अपना प्लान भी प्रॉपर होना चाहिए कि कल को अगर एक ऑप्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा तो आई शुड हैव माय सेकंड ऑप्शन। अब मेरे पास एक बार बच्चा आया कहता है सर मैंने ना 12th के बाद सीए शुरू कर दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहते सर मैंने ना ग्रेजुएशन में एनरोल ही नहीं करा। मैंने कहा ओके फिर क्या हुआ। कहते सर मेरा फाउंडेशन क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहते सर मेरे को ना पिछले 6 अटेम्प्ट हो गए हैं मेरा सीए इंटर नहीं हो रहा। होता है ऐसे बड़े नॉर्मल से फ्रैंक बात है बेटा। तो मैंने बच्चे से बोला अब कहता सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा 6 अटेम्प्ट का मतलब मैं 3 साल अपने लगा चुका हूं, मिनिमम 3 साल में लगा चुका हूं, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है क्योंकि मैंने कभी एनरोल ही नहीं करा। सर अब मैं क्या करूं, अब मैं एट प्रेजेंट सिर्फ फाउंडेशन पास हूं और मैं 12th पास हूं, ना मैं ग्रेजुएट हूं ना मैं कुछ। सर मैं कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई करूंगा तो भी मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं ये लिखता हूं मैं आईपीसीसी फेल हूं तो सर वो मेरे लिए नेगेटिव इंप्रेशन बनता है। आई होप पहले यू आपको प्रॉब्लम समझ आई। तो बेटा इस बात से हमें यह समझना है, हमें नेगेटिव, मैं आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि नहीं यार सीए में पास नहीं होते, बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, कैसे नहीं पास होते, बहुत सारे होते हैं, बट मैं हमेशा बोलता हूं बेटा साइड में एक ऑप्शन आपको लेकर चलना पड़ेगा। भाई देखो वक्त का पता नहीं है, कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, मेरे पास कई ऐसे बच्चे भी हैं उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनको अपनी सीए छोड़नी पड़ गई ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज, जो भी रहा व्हाटएवर इट इज, उन्होंने थोड़े टाइम के लिए सीए छोड़ दी। अब सीए छोड़ने के बाद क्या हुआ, सर वापस तो स्टार्ट करी बट बहुत लेट करी, तब तक ग्रेजुएशन, यस ग्रेजुएशन की डिग्री उनको काम आई, उसके बेस पर उनको एक जॉब मिली जिससे उन्होंने अपनी अर्निंग शुरू करी। तो क्या पहले मेरी बात समझ आई। तो बेटा देखो ग्रेजुएशन मेरे हिसाब से आपके सीए के साथ साथ इज मस्ट, मैं ऑप्शनल नहीं दे रहा, और मस्ट के साथ साथ मैं बोलूंगा सबसे बेटर है अगर आपको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। अगर रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं मिलता तो एटलीस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस से करो। कॉरेस्पॉन्डेंस से भी पसंद नहीं आ रही आपको तो बेटा आपको पता होगा ICAI का इग्नू के साथ एक पैक्ट बना हुआ है, दोनों का एक एग्रीमेंट है कि जो भी सीए इंटर वाले सीए वाले बच्चे हैं उनको इग्नू के साथ कुछ डिस्काउंट्स है, कुछ कंसेशंस है, कंसेशंस इज इन टर्म्स रिलैक्सेशन है, उनके लिए कुछ पेपर्स एग्जेम्प्ट है। जी हाँ आप वो MOU जो पढ़ोगे दोनों का, इग्नू और आपके ICAI का, तो आपको पता चलेगा। तो बच्चा लोग जल्दी जल्दी से काम करना शुरू करो, आप इसके ऊपर मेहनत करो और देखो आप यकीन मानिएगा ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। ऑलराइट, सो आज की बात में सिंपल सा क्रक्स में बोलूं, पहली बात कॉलेज ग्रेजुएशन इज मस्ट, कॉलेज मिल जाए तो सबसे अच्छा, ना मिले तो बेटा कॉरेस्पॉन्डेंस। अब आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो चलिए अब मैं अपनी के बाद आपके साथ डिस्कस करता हूं कि एक सीए रैंक होल्डर उसकी बात तो मानोगे। जी हाँ AIR 1 दीपा जैन, उसका क्या व्यू है इसके ऊपर, तो मैं छोटा सा आपको एक क्लिप दिखाता हूं, मेरा उसके साथ एक लंबा सा इंटरव्यू था, उसके छोटा सा क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताता हूं कि उसका क्या व्यू था रिगार्डिंग दिस कॉलेज। सो हियर वी गो। मैं यही कहूंगी कि कॉलेज ने बिल्कुल भी कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं किया था, मुश्किल था दोनों चीज करना लेकिन इम्पॉसिबल नहीं था, और कॉलेज के टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे, कॉलेज ने बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जिसके कारण हम सब कुछ मैनेज कर पाए। और फिर से मैं टाइम मैनेजमेंट पे ही फोकस करूंगी, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, टाइम को प्रॉपरली मैनेज करोगे तो आप दोनों चीज कर सकते हो। तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कॉलेज से ड्रॉप आउट मत करो, कॉलेज का खुद का लाइफ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। हाँ, और मैं भी एक रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट थी तो मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी ऑब्स्टिकल हुआ, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी एक अच्छा एक्सपीरियंस है और जितना हार्डवर्क करोगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। तो हार्डवर्क से बिल्कुल भी ना पीछे हटे, दोनों चीज आप कर सकते, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। सो बच्चा लोग अब आपने देखा दीपा ने भी बोला है कि कॉलेज इज अ सपोर्ट सिस्टम, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला। तो बच्चा लोग आपको समझना है कॉलेज और ग्रेजुएशन इज अ सपोर्ट टू यू, इट्स नॉट अ हिंड्रेंस टू यू, गॉट इट। चलिए बच्चा लोग दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन, विल होप टू सी यू सून इन अवर अनदर सेशन, टिल दैट टाइम बाय बाय।